मुझे बनाना था अल्फाज का ये वाला प्रोजेक्ट, तो मैंने सोचा कि मैं जा रही हूँ अब होलसेल मार्केट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के साथ साथ मैं आपको यहाँ की मार्केट भी एक्सप्लोर करा दूँगी और अपने प्रोजेक्ट का सामान भी ले लूँगी। और अगर रेडीमेड मिल जाएगा इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट तो मैं रेडीमेड ले लूँगी। तो मैंने सोचा कि साथ साथ आपको होलसेल मार्केट के का एक्सप्लोर करा दूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ चुके थे कि ये कहाँ पर ये मार्केट। तो ज्वेलरी के साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डेकोरेशन का सामान मिल जाएगा, क्राफ्ट का सामान मिल जाएगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे याद भी नहीं कि मैं आपको बता सकूं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बस वीडियो को देखते रहिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, सारी चीज़ें आपको एक ही मार्केट में मिल जाएंगी और साथ साथ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी। मुझे नहीं लगता है कि इससे सस्ता कोई भी कानपुर में आपको यहाँ की चीज़ें मिलेंगी। और ये देखिए यहाँ पर एक रेडीमेड झूला मुझे मिल गया था, कितना सुंदर लग रहा है, और इसका प्राइस था सिर्फ 300, और इसमें लाइटनिंग का भी सिस्टम था कि आप इसमें स्विच लगा देंगे तो यहाँ पे लाइटनिंग चलती है पूरे में। तो 300 रुपये में काफ़ी अच्छा था, लेकिन हमें हैंडमेड देखना था, स्कूल में प्रोजेक्ट जमा करना था। और साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जितने भी लहंगे दिख रहे हैं ये बुकिंग पे भी होते हैं, और आपको अगर परचेस करना है तो भी मिल जाएंगे। वैसे ये सबसे ज़्यादा बुकिंग के लिए फेमस है, यहाँ पर जितने लहंगे हैं आपको अगर किराए पर लेना है तो यहाँ पर सारे लहंगे आपको किराए पर मिल जाएंगे, और यहाँ पर सारा डेकोरेशन का सामान है। और हमने पूछा था कि जो लड्डू गोपाल का झूला होता है वो वाला हमें चाहिए, तो इसलिए जहाँ पे भगवान जी के सारे सामान मिलते हैं वहाँ पे ही हम लोग बार बार शॉप पे पूछ रहे थे, पर बहुत मुश्किल से मिल ही नहीं रहा था। तो फिर हम लोग सोचा देखते हैं, शिवालय मार्केट भी आ गए थे इस तरफ, उसी रोड से ही आप निकलोगे तो शिवालय मार्केट भी आ जाते हो, तो ये भी हम शिवालय मार्केट में हैं। लेने जो गए थे वो तो मिला नहीं, तो हम लोग ने उसका सारा सामान ले लिया। अब मैं घर पे उसको बनाऊंगी, तो वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी मैंने कैसा प्रोजेक्ट बनाया। अभी मैं आ गई हूँ एयरिंग की शॉप पे, जैसे मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया था, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छे एयरिंग दिख रहे थे, जाते टाइम दिखा था इसलिए सोचा था वापसी में ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी एयरिंग खरीदी, अभी आप वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। सबसे पहले मैंने ये वाइट वाली एयरिंग ली, एक बार में मुझे पसंद आ गई थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसका प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़। आप यकीन नहीं मानोगे जितने भी यहाँ पे लगी हैं एयरिंग्स, इन सब का प्राइस है सिर्फ 100 रुपीज़। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सिर्फ, ये सारी चीज़ें होलसेल मार्केट में मिल जाती है आराम से। और लेकिन एक दो दुकानें हैं जहाँ पे आपको सिर्फ एक दो पीस दे देते हैं, वरना ज़्यादातर दुकानों में नहीं देते हैं। तो अगर आपको कभी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको शॉप एग्जैक्ट शॉप बता दूंगी। अभी तो मैं फ़िलहाल पूरी मार्केट एक्सप्लोर करा रही हूँ आपको, और इस शॉप पे हूँ जहाँ पे एक दो पीस एयरिंग दे देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चोकर सेट भी है, सिंपल चोकर सेट हैं और एयरिंग्स हैं और जो मंगलसूत्र होते हैं वो हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप खुद ही देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर ये हैं इस तरह के एयरिंग भी हैं, जैसे सिंपल सूट पर आपको पहनना है, सिंपल एयरिंग्स हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर एयरिंग। तो और इसका प्राइस बता दूं मैं, सिर्फ 40 रुपीज़ है। यकीन नहीं करेंगे आप, जितने भी यहाँ पे ये वाले लगे हैं जो एयरिंग्स हैं ये सब के प्राइस 40 रुपीज़ हैं। और जो पहले मैंने दिखाया था जो नगर कुंदन वाले एयरिंग्स थे उसका प्राइस था सिर्फ 100 रुपीज़, और ये वाले का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़। और जो पीछे आपको ये दिख रही हैं जो झुमके टाइप के पीछे एयरिंग है, अभी मैं दिखाऊँगी आपको, वो सारे इससे भी रीज़नेबल प्राइस पर थे, वो सब थे 30 रुपये में थे। और ये जो इधर नीचे और पीछे आपको ये सब जो दिख रही एयरिंग, इन सब के प्राइस 30 रुपये थे। बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत अच्छी एयरिंग थी ये। मैंने एक ये वाला एयरिंग भी लिया, और उसके बाद जो है एक मैंने ब्लैक कलर का एयरिंग भी लिया था, अभी आप देखेंगे। ये एयरिंग भी लिया था, 4 से 5 एयरिंग हम लोग ने ले ली थी, बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिली थी। चलिए अब चलते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं।
ये जो मेरी इतनी मेहनत दिख रही है ये वेस्ट होने वाली, क्योंकि फेविकॉल से कुछ भी नहीं चिपक रहा था। मैंने एक बार बनाया था फिर ख़राब हो गया था, उसके बाद मैंने ग्लू गम का यूज़ करा था तो बहुत ही अच्छे से सारा काम हो गया था। वैसे मैं बता दूँ, मेरी हॉबी में एक ये भी हॉबी है कि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है। मुझे किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट दे दो मैं बना दूँगी और बहुत दिल से बनाती हूँ, क्योंकि मेरा ये पसंदीदा काम है। तो मुझे बहुत मज़ा आती है ये सब एक्टिविटी करने में, और आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये भी मेरी एक तरह की हॉबी है। तो मैंने बहुत ही मन से प्रोजेक्ट बनाया था, जिस तरह का बनाना चाह रही थी उस तरह का बन नहीं पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, रात के 12 बज गए थे, और ज़्यादा रात हो जाती ना तो फिर मुझे काम करने में मज़ा नहीं आती। तो मैंने बस फटाफट बना दिया था, टिमटिम को भी मैनेज करना था और जैसा भी बन रहा है आप देख रहे होंगे। तो ये अल्फाज का मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, अल्फाज को तो आप जानते ही होंगे, हसीन के बहन के लड़के हैं वो। तो हम लोग उनका प्रोजेक्ट स्कूल का लेके जाना था सुबह, और रात के 12 बज गए थे, तो हम लोग ने जैसे तैसे प्रोजेक्ट बना दिया था और हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा।